हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत सर? बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बातें मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा रहे हैं आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अब इम्पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं क्या, मैं सिर्फ आपकी नजर में। जरदारी और बिजनेस टाइकून की मुबैना ऑडियो लीक। मलिक रियाज ने कहा खान साहब की तरफ से मसालेहत के लिए पैगाम आ रहे हैं, आज तो बहुत ही ज्यादा मैसेजेस भेजे हैं। जरदारी ने फौरन जवाब दिया अब नामुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हालिया ऑडियो टेप इमरान खान की मुनाफकत और दोहरे मैार को बेनकाब करती है। ट्वीट किया दावों के बरक्स इमरान ने खुद हुकूमत बचाने के लिए NRO मांगा, कोशिशें नाकाम होने पर गैर मुल्की साजिश की जाली कहानी तैयार की गई, इमरान खान का तमाम झूठ बेनकाब हो गया। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की इलेक्शन नैब और दीगर कवानीन में तरामीम पर तनकीद, कहा हुकूमत ने अपने आप को NRO 2 दिया है। FATF पर साथ देने के लिए नैब कानून में तरमीम की शर्त रखी गई, इस तरामीम से मुल्क लूटने वाली अशराफिया फायदा उठाएगी। नैब का इदारा अब वफाकी हुकूमत के ताबे हो गया है, वज़ीर आज़म को बराह रास्त फायदा होगा। बाहर से लाए जाने वाले शवाहिद अब कारामद नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले, कानून साजी अदालत उज़्मा में चैलेंज करने का ऐलान। जरदारी मलिक रियाज ऑडियो को जाली करार दे दिया। इमरान खान साहब किसी टाइकून से गुजारिश करें कि मेरी आसिफ अली जरदारी से कोई राबता करवा दो या कोई हमारी अंडरस्टैंडिंग करवा दो, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं एज वाइस चेयरमैन ऑफ द पार्टी कह रहा हूं, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। नून लीग आज मानसहरा में मैदान सजाएगी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज आवाम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए इत्तेहादी हुकूमत के एजेंडे और इकदाम से आवाम को आगाह करेंगे, जलसा गाह में तैयारियाँ जारी।